हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरु जी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे चीज़ के बारे में जिससे आमतौर पर सभी लोग परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ का नाम है कॉन्टैक्ट। मेरे अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँगा तो मेरे एक नंबर के ऐसे बहुत सारे नाम मैंने सेव करके रखे हैं। फाइनली मुझे समझ में नहीं आता कि ये पर्सन का नाम कितने सारे नंबर में सेव किया मैंने। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नए स्मार्टफोन लेने के बाद यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी कॉन्टैक्ट ट्रांसफर करने में ही होती है। कई यूजर्स कॉन्टैक्ट नंबर को सिम में कॉपी कर ईमेल आईडी के साथ भी सिंक कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादातर एक कॉन्टैक्ट के दो या तीन बार सेव हो जाते हैं। डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को डिलीट करना काफी मेहनत का काम है। इसी के चलते मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका एप्लीकेशन है और दूसरा तरीका जीमेल। तो दोस्तों, पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और आपको वहाँ पे सर्च करते हैं सिंपलर मर्ज डुप्लीकेट, ये एप्लीकेशन आपको दोस्तों प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ये एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है उसको स्कैन कर लेगा। अब फोन के स्क्रीन पर सभी कॉन्टैक्ट्स और डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट के साथ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक मर्ज का बटन दिखाई देगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, इससे सभी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएंगे या फिर मर्ज हो जाएंगे। तो आप एक पर्सन के नाम पे एक सिंगल नंबर ही दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा तरीका है जीमेल। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जीमेल से लॉगिन करना होगा। यहाँ आपको गूगल लिखा दिखाई देगा और उसके बिल्कुल नीचे जीमेल लिखा होगा। आपको वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो कॉन्टैक्ट्स आपको सामने दिखाई देगा। इसके बाद आप फाइंड डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं और मर्ज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया, एक तो एप्लीकेशन का और दूसरा आप जीमेल से आसान तरीके से डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं या फिर मर्ज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।